हेलो फ्रेंड दिस इज अल्पना सिंह तो आप सभी लोगों को फ्रेंड्स वेरी गुड इवनिंग और देखिए सीटेट की तैयारी आप सभी लोग कर रहे होंगे ठीक है जनवरी 2024 के लिए ठीक है यहाँ पर मैंने 2023 बार बार हर पीडीएफ में लिख दिया है कोई बात नहीं यहाँ पर आप लोग 2024 बना लीजिएगा फ्रेंड्स तो देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ फ्रेंड्स सा आए हुए हैं ठीक है थीके? तो देखिए इसके साथ हम लोग थर्टी क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे सी के और ये हमारे जो थर्टी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं ऑनलाइन वाले सेट में ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर दीजिए चैनल है एट दी लर्न विथल्पना और फ्रेंड्स देखिए सभी अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प मिल सके ठीक है पढ़ाई कर सके देखिए जो सी की क्लास है वो बेहतरीन तरीके से आपको यहां पर दी जाती है और समझाई भी जाती है ठीक है और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके आपके ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं ना कि कोई फेक है यहां वहां से ठीक है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन को क्वेश्चन के आप पूछ रहे हैं ठीक है बाकी आंसर बताने के लिए तो हम हैं ही आप लोगों के लिए और हाँ एक चीज और फ्रेंड्स की आप सभी लोगों के लिए देखिए मैंने डेली मैं क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ ठीक है तो वहां पर आप लोग जाकर के क्वेश्चन भी क्विज कर सकते हैं ठीक है तो मेरे को ये बताना था कि आप सभी लोग क्वेश्चन के क्विज करिए ठीक है थीके? ऐसे भी अपना माइंड लगाना है था। उसमें मैंने करंट करेक्ट वाले जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं ठीक है थीके? वो मैं उस पर टिक कर देती हूँ तो आप लोग वहां से भी क्वेश्चन कुछ देखा करिए क्विज खेला करिए ठीक है थीके? और डेली ही दो चार छह क्वेश्चन तो मैं करती ही हूँ चलिए फ्रेंड्स तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखिए जो सबसे पहला भाग होता है वो आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का होता है ठीक है तो मैंने देखिए ऐसे ही लिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए सबसे पहले चलिए देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है ठीक है आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है ऐकिक और अवैज्ञानिक दूसरा है निर्धारित और स्थिर तीसरा है अंतर विषयात्मक और गतिशील और चौथा है अस्पष्ट और, और प्राचीन तो देखिए फ्रेंड जो आ, बाल विकास का क्षेत्र है ठीक है वो आपका कौन सा है वो आपका अंतरविष्यात्मक और गतिशील है ठीक है जो बाल विकास का क्षेत्र होता, होता, होता है ये गतिशील होता है यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव होता है ठीक है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इससे जो ऑप्शन होगा वो उसको करेक्ट टिक करिएगा चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो आपका थोड़ा सा लॉन्ग है इसे हम लोग छोटा कर लेंगे ठीक है देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बाल्यावस्था के विकास सॉरी बाल्यावस्था की अवधि का सही क्रम कौन सा है अब आपको बताना है कि जो बाल्यावस्था की जो अवधि है ठीक है उसका सही क्रम क्या होगा पहला ऑप्शन है शिशु अवस्था गर्भावस्था पूर्व बाल्यावस्था यहाँ पर तो होगा नहीं क्योंकि सबसे पहले आपका गर्भावस्था आता है ठीक है ये तो आपका होगा नहीं दूसरा ऑप्शन है गर्भावस्था पूर्व बाल्यावस्था शिशु अवस्था मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो देखिए फ्रेंड्स जो गर्भावस्था है उसके बाद आपका शिशु अवस्था आएगा फिर उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था आएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा ठीक है चौथा है गर्भावस्था शिशु अवस्था पूर्व बाल्यावस्था किशोरावस्था मध्य बाल्यावस्था तो देखिए मध्य बाल्यावस्था के बाद आपका किशोरावस्था आएगा तो ये भी गलत हो जाएगा चौथा है गर्भावस्था शिशु अवस्था एवं सॉरी पूर्व बाल्यावस्था मध्य बाल्यावस्था किशोरावस्था तो जो सबसे राइट ऑप्शन होगा आपका वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ठीक है क्या होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या है आपका और मिनट ये क्या हो रहा है भाई इसको हटाओ चलो ठीक है देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि विकास प्रकृति ठीक है विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के खाली स्थान का परिणाम है यानी कि विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के किसका परिणाम है वि संबंधन दूसरा है वियोजन तीसरा है अंत क्रिया और चौथा है स्वतंत्र कार्य तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आपको बताया है जहां पर अंत क्रिया आती है वो आपका पॉजिटिव ऑप्शन होता है ठीक है तो देखिए यहाँ पर अंत क्रिया आप लोग आंख बंद करके आंसर टिक करेंगे अंत क्रिया पर वो आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा यदि आपसे सही वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ठीक है नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप आंख बंद करके अंत क्रिया पे मत लगा दीजिएगा नहीं तो वो गलत हो जाएगा ठीक है तो चलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन फ्रेंड्स आपका बिल्कुल करेक्ट होगा अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है देखिए अगला क्वेश्चन आपके जीन पियाजे के थियोरी से लिया गया है क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं आपको बताना है कि संतुलन क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में बच्चे समझते हैं गत्यात्मक अवस्था दूसरा पूर्व संक्रियात्मक तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर वर्गीकरण करना संतुलन करना क्रमबद्ध करना ठीक है ये सब आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे हैं वो समझ लेते हैं ठीक है यानी कि जिनकी आयु कितनी होती है फ्रेंड्स सात से लेकर के ग्यारह वर्ष तक की अवस्था ठीक है तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ओके अगला क्वेश्चन है इसको छोटा करके देखें हाँ नहीं छोटा नहीं चलो ऐसे ही देख लेते हैं ठीक है क्वेश्चन क्या है कि रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया ध्यान दीजिएगा यह भी आपका जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है कि रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को ठीक है अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए हैं जीन पियाजे के के संज्ञानात्मक विकास अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया है ठीक है तो ऊपर देखिए आपने पढ़ा था कि संतुलन जो होता है और क्रमबद्धकरण ठीक है वर्गीकरण तो ये आपके मूर्त संक्रियात्मक में होता है तो इसी में पूछा गया है कि जो तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के आरंभ ए हैं ठीक है उत्तर देने का भी आरंभ हुआ है तो जीन पियाजी के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया है संवेदी संवेदिक मूर्ध संक्रियात्मक औपचारिक संक्रियात्मक तो यहाँ पर भी आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही होगा क्योंकि उसने अभी देना स्टार्ट किया है यानी कि सात से लेकर के वो ग्यारह वर्ष की अवस्था में है ठीक है तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि बच्चे अधिक समझ व इज्ञान रखने वालों के साथ अंत क्रिया करके सीखते हैं ठीक है जो बच्चे हैं वो अधिक समझ वो, आ, वो रखने वालों के साथ अंत क्रिया करके सीखते हैं तो अधिगम का सिद्धांत सॉरी अधिगम का यह सिद्धांत खाली स्थान द्वारा दिए गए खाली स्थान सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है पहला ऑप्शन है आपका ले वाई सामाजिक सांस्कृतिक दूसरा है जीन पियाजे सामाजिक सांस्कृतिक तीसरा सिगमंड्रांड मनो मनोगतिशील क्या है हाँ ठीक है मनोगतिशीलात्मक और चौथा है बी एफ स्किनर इनका क्या है व्यवहारवादी तो देखिए फ्रेंड जो जीन पियाजे का ये आपका सामाजिक सांस्कृतिक तो है नहीं का भी आ, नहीं है ये मनोगतिशिलामक ठीक है तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है ले वाइगोत् का ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है ले वाइगोकी सामाजिक सांस्कृतिक चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे देखिए फिर से आपके संबंधित क्वेश्चन है, है कि लेव वायुस्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए ठीक है क्वेश्चन क्या है कि लेव वायुगोचकी के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को अंत क्रिया करने की कम से कम बिल्कुल गलत फ्रेंड्स जो अंतः क्रिया करने का यहाँ पर अधिक से अधिक देना चाहिए ठीक है अंतः क्रिया तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर कम से कम अवसर नहीं देना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए तो ये आपका गलत हो जाएगा दूसरा है सांस्कृतिक दृष्टान्तों का उपयोग बाधित करना चाहिए गलत बिल्कुल ठीक है तीसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थी को उसके अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए ठीक है ये कुछ हद तक ठीक है बट हम लोग चौथा को भी देखेंगे चौथा है कि अधिगम को समुन्नत करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रावधान करना चाहिए हमने आपको पहले ही बताया जहां पर पुरस्कार और दंड होता है ये आपका निगेटिव होता है ठीक है जो पॉजिटिव होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो विद्यार्थी है उनके अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने के लिए करने में सहयोग देना चाहिए किसको एक अध्यापक को ठीक है चलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट था फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्या है ठीक है तीन ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं बट कोई बात नहीं हम लोग पहले यहाँ पर देख लेंगे देखिए क्वेश्चन है कि जीन पियाजे और लारेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है कि जीन पियाजे और जो कोहलबर्ग है ठीक है जिनका नैतिक विकास जिन्होंने दिया है इनके प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है ठीक है पहला ऑप्शन है दोनों ने ही वयस्को में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है बिल्कुल नहीं फ्रेंड देखिए जो जीन पियाजे है वो बच्चों में किए थे और जो कोहल वर्ग है ये आप ये आपके वयस्कों में किए थे ठीक है तो ये तो होगा नहीं चलिए दूसरा ऑप्शन देखेंगे क्या है दूसरा ऑप्शन है कि दोनों के ही सिद्धांतों में आठ सॉरी विकास के आठ प्रतिरूप है बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स देखिए जो संज्ञानात्मक जो विकास है ये आपके जीन पियाजे के उन्होंने चार ही है ठीक है तो ये तो होगा नहीं तीसरा है दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्य बाल्यावस्था के चरण तक सीमित है ऐसा बिल्कुल नहीं है ठीक है इनका स्टार्टिंग से लेकर के जो जीन पियाजे है ये आपका पंद्रह वर्ष यानी कि उत्तर बाल्यावस्था तक है ठीक है स्टार्टिंग किशोरावस्था भी उसमें आ जाएगा अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो ठीक है और जो कोहल वर्ग का है ये आपके वयस्कता से है तो आपका मध्य अवस्था तो है नहीं ठीक है और चौथा क्या है आपका कि दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं जो कि बिल्कुल सही है देखिए नैतिक विकास में भी कोहल वर्ग जो है उन्होंने भी अवस्थाएं बताई है और जो जीन पियाजे हैं इनके भी चार अवस्थाएं हैं ये तो आप लोग जानते ही है तो दोनों के ही अवस्थाओं में प्रतिपादित किया गया है दोनों के सिद्धांत को ठीक है तो जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्या है देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि ऐसी सॉरी एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता है पहला ऑप्शन है निष्क्रिय निष्क्रिय अधिगम तो होगा नहीं फ्रेंड्स आपका होता है दूसरा सहयोगात्मक अधिगम देखिए सहयोगात्मक तो आपका हो सकता है तीसरा कंठस्थित तो ये तो होगा नहीं निर् निर्देशन आधारित अधिगम ये भी नहीं तो जो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम क्योंकि देखिये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऐसी कक्षा जहाँ को प्रदत्त में, और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता है तो यहाँ पर क्या है सहयोगात्मक अधिगम है ठीक है इसलिए उन्हें जोड़ीदार प्रदत्त, प्रदत्त कार्य करने के लिए दिया गया है ठीक है तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे क्या देखिए अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स की दूसरों की मनोदशा प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता का सॉरी किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है ठीक है यानी कि दूसरों की मनोदशा प्रेरणाओं और इच्छाओं की पहचान करना ठीक है यानी कि या ये आपका अंतर्व्यक्तिक हो जाएगा ठीक है जो दूसरों में होता है ये जो आपके हार्वर्ड गार्डनर साहब हैं ठीक है ठीके? इन्होंने आठ प्रकार की बुद्धि बताई है तो जब आप दूसरों को समझते हैं तो वहां पर फ्रेंड्स इंटर हो जाता है और जो खुद को समझते हैं तो वहां पर इंट्रा होता है ठीक है अंतर का मतलब दूसरों में होता है और अंत का मतलब खुद में होता है तो यहाँ पर दूसरों की बात की गई है ना यहाँ पर देखिये दूसरों की मनोदशा प्रेरणा और इच्छाओं को तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा अंतर व्यक्तिक होगा ठीक है यदि खुद में होता है तो आपका अंत व्यक्तिक होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंतर व्यक्तिक यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा ओके अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्या है देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की भाषा और विचार के बारे में क्या सही है ठीक है पहला ऑप्शन है आपका यह एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर विकसित होते हैं जी नहीं बिल्कुल नहीं दूसरा ऑप्शन है यह एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंत क्रिया करते देखिए यहाँ पर अंत क्रिया फ्रेंड्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए बट हम लोग तीसरा और चौथा भी देखेंगे ठीक है तो तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थी के सामाजिक संदर्भों द्वारा प्रभावित नहीं होता है बिल्कुल गलत फ्रेंड्स यहाँ पर जब संदर्भ आता है तो आपका पॉजिटिव होता है लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है इसलिए यह आपका निगेटिव बन रहा है ठीक है चौथा है कि दोनों की वंशानुक्रम से नहीं परंतु परिवेशीय कारकों से प्रभावित होते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बन रहा वाला यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है कि यह एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंत करते हैं जो कि बिल्कुल करेक्ट है ठीक है आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं क्या है देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है फ्रेंड्स ठीक है ध्यान दीजिएगा हम पढ़ रहे हैं आप लोग सुनिए ध्यान से और देखते रहिए स्क्रीन पर भी क्वेश्चन है आपका कि प्रवीण के माता पिता जान घरेलू कार्यों के अप्रतिनिधिक स्वरूपों में संलग्न रहते हैं ठीक है यानी कि जो प्रवीण के माता पिता है वो जान घरेलू कार्यों में ठीक है वो संलग्न रहते हैं यानी कि बिजी रहते हैं ठीक है जैसे कि पिता भोजन पकाने का कार्य करते हैं और जो माता है वो घर के खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करती है ठीक है इस प्रकार के परिवेश में प्रवीण की क्या प्रवृत्ति होगी पहला ऑप्शन है जेंडर रूढ़िबद्ध विभेदीकरण का समर्थन करेगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि देखिए एक दूसरे के काम कर रहे हैं ऐसा माना जाता है जिसमें रूढ़िबद्धता होती है तो क्या होता है कि औरतें खाना बनाएंगी जो पुरुष है वो घर गा, के बाहर का काम करेंगे लेकिन जो प्रवीण के माता पिता है ये से अपोजिट कार्य कर रहे हैं कि जो उसकी माँ है वो इलेक्ट्रॉनिक कार्य को सही कर रही है और जो पिता है वो भोजन बना रहे हैं तो यहाँ पर जेंडर रूढ़िबद्ध तो होगा नहीं ठीक है दूसरा ऑप्शन है कि जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं से प्रश्न करेगा हाँ ऐसा हो सकता है कि वो प्रश्न करेगा कि माँ आप ये काम क्यों कर रही है पापा आप ये काम कर रहे हैं ठीक है और तीसरा ऑप्शन है कि जेंडर स्कीमा को सुदृढ़ करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है और चौथा है कि जेंडर नामिक नामिक देखिए आपका होता है तो पहले ही जान लीजिए जा, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा कि जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पर प्रश्न करेगा ठीक है चलिए सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्या है क्वेश्चन आपका ठीक है देखिए फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए यानी कि जो विद्यार्थियों की विविधता है उसको किस रूप में लेना चाहिए पहला ऑप्शन है अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए ठीक है दूसरा है अधिगम के लिए एक बाधा के रूप में देखना चाहिए बाधा के रूप में तो बिल्कुल नहीं होगा तीसरा है अध्यापक द्वारा इसकी अनदेखी करना चाहिए अनदेखी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए चौथा है कि सभी के लिए समता सृजित सॉरी करने हेतु इसे सीमित करना चाहिए सीमित तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स ठीक है तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है देखिए यही पॉजिटिव है एक आंसर बल्कि सब निगेटिव है बाकी ठीक है तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा बिल्कुल करेक्ट ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है क्वेश्चंस देखिए आपके क्वेश्चंस जो है वो इस प्रकार से दिए गए हैं ठीक है चलिए हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या है क्वेश्चंस ठीक है देखिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए रचनात्मक नियमित सूचनाओं के मात्र ग्रहणशीलता पर ग्राह्यशीलता पर केंद्रित और चौथा है शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप ठीक है तो सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए फ्रेंड्स कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ठीक है इसके अनुसार जो प्रारंभिक स्तर पर आकलन का स्वरूप होना चाहिए सबसे पहले तो आपका रचनात्मक होना चाहिए ठीक है और दूसरा इसमें क्या होता है कि नियमित होना चाहिए ठीक है जो स्वरूप है प्रारंभिक स्तर पर ठीक है ये आपका रचनात्मक होना चाहिए और दूसरा जो होता है नियमित और यहाँ पर क्या है सूचनाओं के मात्र ग्राह्यशीलता पर केंद्रित तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल आप बच्चे जो है प्राथमिक स्तर पर केवल ग्रहण करेंगे ठीक है तो यहाँ पर यह ऑप्शन नहीं होगा आपका और चौथा है कि शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप ठीक है यानी कि जो शिक्षण अधिगम उपयुक्तता है इसके अनुरूप रचनात्मक और नियमित होने चाहिए ठीक है तो जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका कह जाएगा ए बी और डी चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड्स ए बी डी ठीक है तो देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ में है ए बी और डी ठीक है तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं क्वेश्चन क्या है देखिए अगला क्वेश्चन है आपका की शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है आपको बताना है कि जो शिक्षार्थी हैं उनमें समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है पहला ऑप्शन है अध्यापक को विद्यार्थियों से बहुत ही आसान प्रश्न पूछने चाहिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स ठीक है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन आप पूछिए बच्चों से और दूसरा ऑप्शन है कि अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए गैर लचीली समय रेखा का पालन करना चाहिए जो कि बिल्कुल गलत है गैर आपका नहीं होगा

फ्रेंड्स तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है ठीक है देखिए समावेशन से संबंधित क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका ठीक है क्वेश्चन है कि समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए ठीक है जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए दूसरा है अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्र विधियों को क्रियान्वित करना चाहिए चौथा है व्यक्तिक विभिन्नताओं को सॉरी भिन्नताओं को अनदेखी करनी चाहिए और चौथा है कि अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प यानी कि डिजाइन को क्रियान्वित करना चाहिए तो देखिये फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बता दें कि जो क्वेश्चन पूछा है कि समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए ठीक है? तो है? है, है, है? है और दूसरा है अध्यापक केंद्रित आपको पता होना चाहिए कि जो वर्तमान टाइम में आपकी जो शिक्षा पद्धति आपकी बाल केंद्रित हो चुकी है ठीक है और तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति विभिन्नताओं को अनदेखी करनी चाहिए जो कि बिल्कुल गलत है फ्रेंड देखिए जो व्यक्तिक विभिन्नताओं है उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए बल्कि

वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए यानी कि जो वंचित समूह से विद्यार्थी आ रहे हैं ठीक है उनके समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए जो कि बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स ठीक है देखिए जो वंचित समूह से विद्यार्थी आ रहे हैं उनकी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं यदि उनको आप शामिल करते हैं कक्षा में ठीक है तो विद्यार्थियों के लिए ठीक है उनके समूहों में तो जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से समावेशन में सफल हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा अरे सॉरी ऑप्शन नहीं यहाँ पर होगा ठीक है जो अभिकथन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है अगला है आपका तर्क तर्क क्या है कि अपने पन का बोध सीखने के लिए अभी प्रेरित करता है बिल्कुल सही फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अपने पन का यानी कि जब आप सांस्कृतिक पहलुओं को ठीक है उनके जो वंचित समूह से विद्यार्थी आए हैं उनके सफल समावेशन के लिए सांस्कृतिक पहलुओं को उनके विभिन्न सॉरी जो सांस्कृतिक पहलुओं के विभिन्न गतिविधियां हैं ठीक है उनके

कि प्रकाशित सहायक सामग्री और अनुकूलन जैसे कि फोंट का बड़ा आकार शब्दों का बड़ा आकार ठीक है जिस जो फोंट का बड़ा आकार होता है उसे शब्दों का बड़ा आकार कहते हैं ठीक है फिर से क्वेश्चन को एक बार समझिएगा कि जो प्रकाशित सहायक सामग्री अनुकूलन ठीक है जैसे कि का का बड़ा आकार, यानि का बड़ा आकार, आकार, कि शब्दों आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है ठीक है यानी कि जो शब्दों के बड़ा आकार के जो यानी कि जो सामग्री है ठीक है वो विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यानी कि किसके लिए पहला ऑप्शन है दृष्टि की आंशिक क्षति दूसरा है श्रवण बाधित तीसरा है संवेदी बाधित चौथा है दृष्टि की समग्र यानी कि कुल क्षति देखिए कुल क्षति है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं देख पाएगा ठीक है और जो आंशिक रूप से यानी कि जिसे हम लोग अंधे कहते हैं ठीक है यानी कि जिन्हें कम दिखाई देता है तो उनको बड़े आकार का शब्द लिखना लिखेंगे आप तभी वो

जूझ रहे हैं विद्यार्थी यानी कि जिनको अटेज में है ठीक है प्राय कौन सी दृढ़ सामर्थ्यता है तो उनको विवरण के प्रति सजगता ठीक है यानी कि ध्यान देना यही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे देखेंगे क्या है अच्छा इसमें दो ही ऑप्शन नहीं दिया था कोई बात नहीं चलिए दो ही में आपको बता दिए हैं सही वही होगा एनसीआरटी भी आपकी वही मानी है अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है ठीक है राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है यह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करती है विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थी औसत समझ वाले विद्यार्थी जो की बिल्कुल नहीं है ठीक है जब अलग अलग यानी कि नवाचारी समाधान हैं तो ये आपके प्रतिभाशील जो विद्यार्थी होते हैं उनसे संबंधित है ठीक है तो यहाँ पर औसत से बिल्कुल नहीं होगा तीसरा है अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी बिल्कुल गलत और तीसरे रूप से तो यहाँ पर देखिए जो बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स वो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थी यानी कि जो राखी है वो विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी है जो की वो अनेक नवाचारी साधन प्रस्तु, प्रस्तुत करती है सवाल को आ, सवालों का जवाब देने के लिए ठीक है तो जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा बिल्कुल करेक्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्या है देखिए यहाँ पर भी फ्रेंड्स कथन और कारक वाले क्वेश्चन दिए गए हैं ठीक है देखिए आपका कथन है कि अध्यापक को ऐसी शिक्षा सास, शिक्षण शास्त्री ठीक है अध्यापक को ऐसी शिक्षण शास्त्री प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन और उच्च क्रमीय कौशलों को समुन्नत करने का कार्य करती है जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स देखिए जो अध्यापक होता है उसे एक ऐसी शिक्षण प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों में नवीन विज्ञान के सृजन यानी कि जो बच्चे हैं उनको नए नए सृजन करने ठीक है और उच्च क्रमीय कौशलों को समुन्नत करने का कार्य करती है जो कि बिल्कुल सही है ठीक है चलिए यानी कि आपका जो अभिकथन है वो बिल्कुल सही हो गया जो तर्क है आर उसमें देखेंगे क्या है उसमें है कि बच्चों में नवीन विज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की योग्यता होती है जो कि बिल्कुल सही है देखिये जो बच्चे होते हैं उनमें नवीन विज्ञान के सृजन और उसकी

कि चौदह वर्षीय माया और एक युवा चित्रकार ठीक है चौदह वर्षीय माया और एक युवा चित्रकार के वीडियो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है वह इस बात में विश्वास करती है कि वह पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और सचेतता के साथ ठीक है और सचेतता के साथ प्रक्रियाओं के अनुसरण करती है प्रक्रियाओं का अनुसरण करती है तो माया के अधिगम को क्या संज्ञा दी जा सकती है पहला ऑप्शन है आपका सहयोगात्मक अधिगम तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सहयोगात्मक अधिगम तो नहीं होगा ठीक है निष्क्रिय तो ये तो बिल्कुल ही आपका होगा गलत ठीक है परासंज्ञान होगा नहीं तो यहाँ पर जो सबसे राइट ऑप्शन होगा ये आपका हो जाएगा अवलोकनात्मक अधिगम यानी कि वो यूट्यूब से देख करके सीख रही है यानी कि अवलोकन कर रही है ठीक है देख करके तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा बिल्कुल करेक्ट ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या है ठीक है देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर ठीक है अधिगम जो है वो अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर पहला ऑप्शन है कच्छा कक्षा अच्छा वातावरण भय मुक्त तो हो दूसरा है अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा अनदेखा तो बिल्कुल नहीं होगा और तीसरा ऑप्शन है कि पढ़ाई गई वस्तु बहुत जटिल और अमूर्त हो बिल्कुल गलत होगा यहाँ पर ये और चौथा है कि विद्यार्थियों के मतों को संप्रत्य की व्याख्या के दौरान ना अपनाया जाए बिल्कुल नहीं फ्रेंड जो भी विद्यार्थियों के मत है ठीक है उनके जो संप्रत्य है व्याख्या के दौरान उसको अपनाया जाना चाहिए उसको बताया जाना चाहिए सही है तो ठीक है गलत है तो उसको आप बताइए ठीक है तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि जब आ, जो अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होगा कब होगा जब कच्चा कबा आता और भय मुक्त होगा ठीक है तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा बिल्कुल करेक्ट ओके आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए ठीक है यानी कि किसको विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए कंठस्थीकरण जो कि आपका निगेटिव होता है दूसरा है समालोचनात्मक चिंतन जो की पॉजिटिव है थर्ड है कार्यात्मक जड़ता गलत अभी सारी चिंतन नहीं फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप सारी चिंतन होता तो वो हो जाता ठीक है तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ये आपका समालोचनात्मक चिंतन होगा ठीक है यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है अनुरूपी सोच अनुमानी प्रयत्न एवं त्रुटि और है एलगोरिद्म विधि ठीक है तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जिसमें चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है वो आपका एल्गोरिद्म विधि कहलाती है ठीक है तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा बिल्कुल करेक्ट ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन तो आपके बड़े दिए हैं काफी लॉन्ग दिया है ठीक है चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम के लिए आकलन के संबंध में सही है ठीक है किसमें पूछा गया है अधिगम के लिए आकलन में पहला ऑप्शन है भय पैदा करने के लिए कॉपी में सभी त्रुटियों पर लाल स्याही से घेरा बना देना जो कि बिल्कुल गलत होता है फ्रेंड्स ठीक है के त्रुटि के लिए आप बच्चों के कॉपियों में लाल साह से घेरा बना देंगे ठीक है और यहाँ पर आकलन के संबंध में पूछा है तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो गलत है ठीक है दूसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थी के अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटियों को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स हमने भी आपको बताया है ठीक है उनको एक अवसर देना चाहिए जब बच्चे त्रुटियां करते हैं तो ठीक है और तीसरा ऑप्शन है कि सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जा सकता है जो कि बिल्कुल सही है ठीक है अगर आप सहपाठी आकलन का प्रयोग करवा रहे हैं तो वो एक दूसरे की प्रतिपुष्टि

देखिए फ्रेंड्स फिर से आपके यहाँ पर कथन वाले और तर्क वाले क्वेश्चन है ठीक है क्वेश्चन है अभिकथन कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यालयों को भावनात्मक पहलू को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए जो कि बिल्कुल सही है ठीक है यानी कि भावनात्मक बोधात्मक जो बच्चे हैं वो समझ सके ठीक है तो यहाँ पर यह होगा आपका बिल्कुल सही दूसरा सॉरी तर्क है आपका कि भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं है जो कि बिल्कुल सही है कि जो भावनाएं होती है वो आपके संज्ञान से अलग नहीं होती है पृथक का मतलब अलग होता है ठीक है तो देखिये दोनों ही सही है फ्रेंड्स आपको पहला ऑप्शन में दिया है कि ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है तो बिल्कुल करेक्ट है आपका यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है ठीक है देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता यानी कि अग्रता प्रदान करता है पुरस्कार दंड रुचि प्रशंसा तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता ठीक है यहाँ पर क्या पूछा है आंतरिक अभिप्रेरणा तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका रुचि होगा ठीक है आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा बिल्कुल करेक्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारक है और व्यक्तिगत कारक नहीं है ठीक है आपको बताना है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले पर सॉरी परिवेशीय कारक है और व्यक्तिगत कारक नहीं है पहला ऑप्शन है आपका समझ का स्तर समाव समझ का स्तर तो फ्रेंड देखिए ये आपका परिवेशीय कारक नहीं होगा ठीक है व्यक्तिगत कारक नहीं है दूसरा है भावनात्मक लब्धि यह भी नहीं होगा तीसरा है शिक्षण अधिगम सामग्री और चौथा है कि सीखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा कि परिवेशीय कारक है लेकिन व्यक्तिगत कारक नहीं है तो जो नहीं है वो आपका है शिक्षण अधिगम सामग्री ठीक है ये आपका परिवेशीय कारक है ठीक है लेकिन आपका ये व्यक्तिगत कारक नहीं है तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा चलिए आज के देखिए हमारे लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है आपको बताना है बाधक यानी कि जो निगेटिव ऑप्शन होगा वही ठीक है लचीली पाठ्यचर्या जो कि पॉजिटिव होती है दूसरा ऑप्शन है अधिगम के लिए बहुसंवेदी उपागम बिल्कुल करेक्ट होता है फ्रेंड्स ठीक है बहुसंवेदी उपागम अधिगम के लिए सीखने के लिए बच्चों को ठीक है तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण तो देखिए फ्रेंड जो समूहीकरण होता है या फिर इसको वर्गीकरण सॉरी इसका जो अलग अलग बच्चों को वर्गीकृत करना होता है यहाँ पर यह आपका निगेटिव होगा क्योंकि अधिगम के लिए बाधक बन सकता है ठीक है और चौथा है कि अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग तो देखिए जो रचनात्मकता होती है रचनावादी ये आपका पॉजिटिव होता है तो बाधक कौन सा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड तो, तो देखिए जो बाधक है वही आपका करेक्ट होगा क्योंकि हमसे पूछा है निगेटिव तो जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा बिल्कुल करेक्ट ठीक है तो चलिए फ्रेंड जो लोग अभी तक देखिए चैनल को लाइक एम सब्सक्राइब नहीं किए वे कर लीजिए चैनल है आपका एट दट लाल नवी थाल ठीक है तो चलिए यहाँ पर जो लोग होम साइंस से जुड़े हैं फ्रेंड्स वो लोग जुड़े रहिए और जो लोग सीट का फॉर्म फिलअप किए हैं ठीक है वो लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए और हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए सारी क्लास चलाया जाए ठीक है यदि आप लोग एस एस टी पढ़ने के लिए इच्छुक है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैंने एस एस टी के एक क्लास दी हुई है उसको आप लोग जरूर पढ़िए और आगे की क्लास जो है वो आपको कंटिन्यू कराई जाएगी ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे अपनी अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद